नमस्ते दोस्तों, मैं सीमा सत्या फिर से अपने चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की मेरी शॉपिंग मीशो की, और दोस्तों मीशो से मैंने काफी सारे इयररिंग्स मंगवाए। तो दोस्तों ज्यादा बातें ना करते हुए, टाइम वेस्ट ना करते हुए, हम सारे इयररिंग्स को एक एक करके देख लेते हैं और उनके डिटेल्स देख लेते हैं। तो सारे इयररिंग्स को मैंने ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुका है और फ्रेंड्स मैंने इसे एक दो बार पहन भी लिया है। जैसे कुछ इयररिंग्स वेडिंग के लिए और फेस्टिवल सीजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और इसमें से कुछ इयररिंग्स ऐसे भी है जो आप डेली यूज में भी पहन सकते हैं। तो सबसे जो पहला इयररिंग है फ्रेंड्स, वो बहुत ही खूबसूरत सा है और मेरा फेवरेट है पर्सनली, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि मुझे डैंगलर्स कितने पसंद है, क्योंकि फ्रेंड्स डैंगलर्स होते हैं वो बहुत इजीली वियर हो जाते हैं, और फ्रेंड्स वो है ना, मुझे ना उसका वेट ज्यादा नहीं लगता। जैसे देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, ये तो छोटे से झुमके हैं, लेकिन अगर आप हैवी वेटेड भी पहनते हो ना, तो उनका वेट बहुत अच्छे से इजीली बैलेंस हो जाता है। तो पर्सनली मुझे डैंगलर बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। इसका फ्रेंड्स मैं पिक्चर है ना बहुत पास से आपको शेयर कर दूंगी, तो आपको इसका ना बहुत डिटेल्स देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हम ऐसे दिखाएंगे ना तो इतने अच्छे से आपको पता नहीं दिख रहा होगा या नहीं, और ब्लर भी हो रहा होगा, हो सकता है इमेज, बट आप देख रहे होंगे कि इसमें स्टोन है, और इसके बाद आप जो कुंदन वर्क होते हैं ना फ्रेंड्स, वो वाला वर्क है, प्लस इसमें बीड्स हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पे भी कुंदन ही है। और फ्रेंड्स इसका बैक जो है वो बहुत ही सुंदर सा है, इस तरह का है, मीना लगा हुआ है और व्हाइट कलर के उस पर, तो वो बहुत सुंदर लगता है। अगर ये पलट भी जाता है ना इयररिंग, तो ये बहुत सुंदर सा लगता है, पता नहीं चलता है कि बैक से ये डेकोरेटिव है या नहीं। ये इयररिंग कुछ इस तरह से दिखता है, तो बैक से भी ये इस तरह से दिखता है, प्लस फ्रंट्स में ये इस तरह का पूरा स्टोन वर्क है। ये एक्चुअली फ्रेंड्स व्हाइट प्लस रेड कलर का है, और इसके अंदर जो बीड्स है या मोती का भी, पर्ल्स भी है, आप रेड कलर के साथ देख सकते हैं, ये व्हाइट कलर के मोती है। इसका कॉस्ट 300 समथिंग है, मैं वो डिटेल्स आपके साथ स्क्रीन पे एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चेक इन कर सकते हैं। इस इयररिंग्स को मैं आपको ट्राई ऑन करके भी दिखा देती हूँ कि ये इयररिंग्स पहनने के बाद आप पे कैसे लगेंगे। आप देख सकते हैं ये इस तरह के लग रहे हैं, और आप इसकी लेंथ भी देख सकते हैं कितनी है। और अगर आप इसे दिन भर भी पहनते तो फ्रेंड्स आपको बिल्कुल वेट नहीं लगेगा, आपके कान भी नहीं दुखेंगे, तो ये बहुत इजी टू कैरी है और मुझे बहुत इजी लगे। और फ्रेंड्स ये बिल्कुल जैसे आप सोच रहे हैं ना कि ये बहुत हैवी से, आप देख सकते हैं इसका जो कुंदन का वर्क है और ये सब, तो ये काफी हैवी लुक दे रहे हैं। और तो ये थे मेरे फर्स्ट इयररिंग, अब हम चलते हैं सेकंड इयररिंग्स की और उन्हें भी देख लेते हैं। तो जो मैंने सेकंड इयररिंग्स लिए हैं वो भी कुछ इसी टाइप के हैं, और मैंने इसी सेलर से लिया है, और वो भी काफी खूबसूरत है, क्योंकि फ्रेंड्स वो भी बिल्कुल इसी तरह के कुंदन वर्क के हैं, लेकिन आपने देखा इसमें थोड़ा रेड कलर का एनहेंसमेंट था, बट उसमें रेड कलर का एनहेंसमेंट नहीं है, उसमें पूरा व्हाइट है, तो वो काफी गॉर्जियस लग रहे थे। और क्योंकि फ्रेंड्स कुछ ड्रेसेस होती है ना उसमें आप इस तरह का, और फ्रेंड्स जैसा पिक्चर में दिया था वैसा ही मुझे रिसीव हुआ। आप देख सकते हैं कुंदन का वर्क है, और फिर आप देख सकते हैं पर्ल्स हैं, और फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा पर्पल आप देख रहे होंगे, इसमें पर्पल पर्ल्स हैं, ये गोल्डन कलर के हैं। ये वाले जो इससे पहले फ्रेंड्स मैंने जो दिखाए थे इयररिंग्स, और ये भी आप देख सकते हैं ये भी इतने बड़े थे, और ये थोड़े से छोटे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं इसका जो ब्रेड थे वो थोड़ा सा हैवी है। और फ्रेंड्स ये थोड़ा एक्सपेंसिव थे और ये थोड़ा कम, बट फ्रेंड्स ये बहुत मुझे इजी टू कैरी करने में लगे, और इसका वेट भी थोड़ा कम था। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो वो बहुत लाइट वेटेड थे, बट ये मुझे मीडियम वेट के लगे। तो फ्रेंड्स ये भी मैं आपको, इसका भी मुझे दो पेयर्स मिला है जो इतने खूबसूरत से लग रहे हैं, और आप देख सकते हैं ये इस तरह के हैं। और फ्रेंड्स मैं इसे पास से आपको बहुत अच्छे से डिस्प्ले दिखा दूंगी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे लग रहे हैं। फ्रेंड्स इसको भी मैं आपको ट्राई ऑन करके दिखा देती हूँ कि ये पहनने के बाद आप पे कैसे लगेंगे, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। देख सकते हैं ये इस तरह के हैं, और फ्रेंड्स ये काफी ना वैसे थोड़ा घना टाइप का है, वो आपने देखा थोड़ा स्लीक थे और थोड़े लंबे थे, बट ये फ्रेंड्स इस तरह के हैं और ये काफी अच्छे लग रहे हैं। और फ्रेंड्स ये न्यूट्रल काइंड के हैं, इस पे गोल्डन कलर का है, व्हाइट कलर का है, और जैसे मैंने कहा नीचे हल्के से पर्पल या पिंक कलर के बीड्स भी हैं, जो काफी बहुत ही एस्थेटिक लग रहा है, और बहुत ही एक रॉयल काइंड का लुक दे रहे हैं दोनों मुझे बहुत ज्यादा, क्योंकि मीना वर्क और ये सब फ्रेंड्स बहुत ही रॉयल लुक देता है। इसका जो एग्जैक्ट जो पास का है पिक्चर, वो मैं साइड में शेयर कर दूंगी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे डिटेल में लगते हैं। तो ये थे मेरे सेकंड इयररिंग्स, अब हम चलते हैं थर्ड इयररिंग्स की और उन्हें भी देख लेते हैं। तो दोस्तों इयररिंग्स तो मुझे बहुत पसंद है, आपको पता ही है,
क्योंकि कुछ ही ड्रेसेस होती है, जैसे आप सूट होता है या साड़ी होता है, अगर आपने नेक पीस नहीं पहना और अच्छे से आपने इयररिंग्स पहने तो वो कॉम्प्लीमेंट करता है आपकी पूरी ड्रेस को, एज वेल एज आपके नेक पीस ना होने का भी एक बहुत अच्छे से उसको फिलअप कर लेते हैं। तो इसीलिए मैं थोड़े से हैवी इयररिंग्स भी लेती हूँ। तो जो अगले वाले इयररिंग्स है थोड़े से हैवी हैं दिखने में, बट वेट के अकॉर्डिंग वो बहुत लाइट वेटेड है। और फ्रेंड्स ये मैंने ग्रे कलर के लिए हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे पास ग्रे कलर नहीं था और ये मुझे काफ़ी अलग से लगे। और इस तरह के इयररिंग्स भी मैंने काफ़ी लिए हैं और मुझे काफ़ी सुंदर लगे। और ये चांद बालियां भी ये देख सकते हैं, कुछ काइंड का चांद बालियां हैं और उसके बाद पूरा पर्ल्स का वर्क है और ग्रे कलर का प्लस वाइट कलर का। और फ्रेंड्स इसका भी गोल्डन कलर है, और जो इससे पहले मैंने दोनों दिखाए ना फ्रेंड्स वो भी गोल्डन कलर के थे। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं मीना का वर्क है पूरा, और ये चांद बालियां हैं और आप देख सकते हैं इसमें पूरा पर्ल्स का बहुत अच्छा काम है। और फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पूरा स्टोन वर्क है, तो ये काफी अच्छा लग रहा है। और ये काफी हैवी, आपकी जो साड़ीज होती है ना, कुछ कुछ ड्रेसेस होते हैं जिसमें थोड़ी हैवी आपके इयररिंग्स अच्छे लगते हैं, तो ये इस तरह के। और फ्रेंड्स ये लाइट वेटेड है, स्पेसिफिकली मैं बोल रही हूँ कि ये जितने दिख रहे हैं ना दोस्तों ये उतने वेटेड नहीं है, बहुत लाइट वेटेड है। अगर मैं इनको कंपेयर करूँ इस वाले इयररिंग्स से तो मुझे ऑलमोस्ट लगभग एक जैसे हैं, क्योंकि इसका जो वेट है ना फ्रेंड्स वो बहुत डिवाइडेड हो रहा है और काफी अच्छा है, तो मुझे लगभग ये प्लस माइनस में ही लग रहे हैं, लगभग इन दोनों का वेट लगभग मुझे लगा, तो मुझे ये इजी लगे तो मैं इनको भी आपको ट्राई करके दिखा देती हूँ कि ये पहनने के बाद आप पे कैसे लगेंगे, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं इसको ट्राई करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों इस तरह की इयररिंग्स अगर आप नेक पीस नहीं पहनते हैं और इयररिंग्स ही पहनते हैं तो ये काफी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं आपकी पूरी ड्रेस को, और फ्रेंड्स आपकी ब्यूटी को तो बहुत ज्यादा चार चांद लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और फ्रेंड्स ये इस तरह के जो हैवी जो लुक देते हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं, और जैसे शादी हो गई और सेलिब्रेशंस हैं और फेस्टिवल सीजन्स है एज वेल एज पार्टीज है, और जैसे कि मैंने कहा अभी तो बहुत ज़्यादा वेडिंग सीजन भी चल रहा है, तो ये परफेक्ट है। बहुत सारी ड्रेसेस होती हैं जिसके साथ आप देखिए इस तरह के इयररिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं। और फ्रेंड्स ये बहुत रीजनेबल रेट्स में मिले मुझे, तो मुझे ये सबसे ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसका जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग ये वर्थ है, इसका सिंगल सिंगल रुपीस वर्थ है। और आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ये आपकी ब्यूटी को बहुत ही चार चांद लगा देंगे अगर आप इसे पहनेंगे या आप इसे कैरी करते हैं तो। और फ्रेंड्स आप इसे दिन भर कैरी कर सकते हैं इजीली। दोस्तों ये सारे इयररिंग्स मुझे काफी पसंद आए, और फ्रेंड्स ये मैं आपको अपनी चॉइस के इयररिंग्स ही जो सिलेक्टेड है और जिन्हें मैंने अपनी चॉइस से खरीदा और प्लस मुझे ये बहुत पसंद आए तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपको मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि अगर आपको अच्छे लगते तो आप इसे जरूर खरीद सकते हैं। तो ये थे मेरे थर्ड इयररिंग, अब हम चलते हैं फोर्थ इयररिंग की और उन्हें भी देख लेते हैं। तो जो मेरे फोर्थ इयररिंग है वो बहुत लाइट वेटेड है, और फ्रेंड्स अगर आप कॉलेज में है या ऑफिस गोइंग है तो, क्योंकि ये जो तीनों मैंने इयररिंग्स दिखाए हैं ये वेडिंग के लिए या फिर फेस्टिवल सीजन के लिए बहुत परफेक्ट है, बट जो अब मैं नेक्स्ट दिखाने वाली हूँ वो आप डेली पर्पस के लिए भी पहनेंगे और बहुत लाइट वेटेड है। ऑक्सीडाइज ज्वेलरी तो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो बहुत एक आपको बहुत एथनिक लुक देती है और बहुत ही ट्रेडिशनल काइंड का लुक देती है, और बहुत सारी ड्रेसेस के साथ वो बहुत ही अच्छे से पेयरअप भी हो जाती है। आप देख सकते हैं ये मेरे फोर्थ इयररिंग है, और फ्रेंड्स जैसे कि मैंने कहा ये ऑक्सीडाइज है और बहुत सिंपल से हैं, और आप देख सकते हैं इसका प्लस पॉइंट है कि ये बालियां का इनका भी है और डैंगलर्स का इनका भी, और बहुत ही लाइट वेटेड है। अगर मैं आपको बोलूँ ना सारे इयररिंग्स में, ये दोनों जो अभी मैं नेक्स्ट भी दिखाऊंगी वो भी बहुत लाइट वेटेड है और ये भी। और फ्रेंड्स इसका जो लुक है ना अगर आप दूर से देखेंगे ना तो ये झुमके का इनका दे रहा है, तो ये प्लस पॉइंट है क्योंकि आप है ना फ्रेंड्स ट्राइंगुलर भी मिल जाएगा आपको और झुमका का इनका आपको एक लुक भी देगा, और इस तरह के इयररिंग्स बहुत सुंदर लगते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको पास से इस तरह का है आप देख सकते हैं, और इस पर काफी डिटेलिंग्स भी काफी अच्छे से दी और मोती है, और जैसे कि मैंने कहा ये इस तरह का आपको ये बाली टाइप का है जो आप कान में डाल सकते हैं, प्लस आपको डैंगलर का लुक भी देता है। तो फ्रेंड्स इसको भी मैं आपको ट्राई करके दिखा देती हूँ कि ये पहनने के बाद आप पे कैसे लगेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। प्लस फ्रेंड्स जैसे मैंने कहा ये आप डेली यूज के लिए भी पहन सकते हैं, और फ्रेंड्स ये आप पूरे दिन भर भी पहनेंगे क्योंकि बहुत लाइट वेटेड है, तो ये परफेक्ट है। अगर आप कॉलेज गोएंगे तो ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, एज वेल एज अगर आप ऑफिस जाते हैं तो भी आप इसे
डेली पर्पज में या डेली के लिए आप पहन सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना लाइट वेटेड है और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आप इसे दिन भर कैरी कर सकते हैं। प्लस फ्रेंड्स इसमें काफी खूबसूरत से पर्ल्स हैं विद द ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी और इसका रेट भी मुझे बहुत रीजनेबल लगा। तो इसके रेट्स मैं आपको स्क्रीन पे एज वेल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी सारे इयररिंग्स का, तो आप वहां से चेक इन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये इस तरह के हैं। प्लस फ्रेंड्स जो मैंने फिफ्थ वाले इयररिंग्स लिए वो भी इसी काइंड के हैं, बस उनका शेप डिफरेंट है। जैसे ये ट्रायंगल है वो स्क्वायर है, तो अब हम उसे भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये हैं हमारे लास्ट बट नॉट लीस्ट और आप देख सकते हैं ये स्क्वायर में है, ये सेम ही है फ्रेंड्स और इसमें भी पर्ल्स हैं और आप देख सकते हैं स्क्वायर है और ये भी उसी तरह का जो क्लोजर है और जिस तरह का बालियां काइंड का या फिर आप कह सकते हैं डैंगलर काइंड का है, जो बहुत ही ईजी है और ये भी बहुत लाइट वेटेड है। और ये दोनों जो इयररिंग्स है मैंने एक ही सेलर से खरीदा, तो इसे मैं ट्राई ऑन करके भी दिखा देती हूँ कि पहनने के बाद आप पे कैसे लगेंगे, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसमें जो डिटेलिंग्स है काफी अच्छी है और बहुत क्लीन है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं होती है, बट ये काफी अच्छे से डिटेलिंग भी दी हुई है और आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। और फ्रेंड्स वेट के लिए तो बिल्कुल भी इसमें वेट नहीं है, बहुत इजीली आप कैरी कर सकते हैं पूरे दिन भर के लिए। और देख सकते हैं ये कितने लंबे हैं, अगर आपको ये इतने हाइट के अच्छे लगते हैं और आपको भी ऑक्सीडाइज बहुत पसंद है तो इसे डेफिनेटली आप ले सकते हैं और आप इसे अपने कलेक्शन में रख सकते हैं। तो आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे साथ इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आप अपने रिव्यू जरूर बताइएगा कि इन सारे इयररिंग्स में आपका कौन सा सबसे फेवरेट था। तो दोस्तों मिलते हैं हम नई शॉपिंग में नए रिव्यू के साथ, तब तक बाय एंड कीप स्माइलिंग।